स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ ज्योति गौर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा. टूडे माई टॉपिक इज पार्टनरशिप एंड वी विल लर्न अबाउट द मीनिंग, डेफिनेशन, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप ऑफ पार्टनरशिप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स. फर्स्ट कम टू द मीनिंग. वट इज पार्टनरशिप? Partnership is a form of business in which two or more people owns a business. It is based on written contract or an oral agreement. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. यहाँ पर बताया गया है कि पार्टनरशिप एक बिजनेस की फॉर्म है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बिजनेस को चलाते हैं, और ये जो बिजनेस होता है वो उनके रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे या ओरल एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है. बाकी आके इसमें बताया गया है कि पार्टनरशिप जो है वो दो लोगों का रिलेशन है या दो से अधिक का, जो कि अपने बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार होते हैं, और उनमें से कोई एक पार्टनर सबकी तरफ से काम करता है या सारे पार्टनर्स मिलजुल कर काम करते हैं. Now comes to the definition. According to S. E. Thomas, he says a partnership is an association of people who carry on business together for the purpose of making profit. Means he says partnership is a is an association of people जो कि मिलकर एक business को run करते हैं profit कमाने के लिए. Now, essential elements of partnership business means इसमें क्या क्या elements होने चाहिए, ज़रूरी elements होने चाहिए partnership business को run करने के लिए. Plurality of members means इसमें more than one person involved with the formation of partnership business. मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति partnership करने के लिए होना चाहिए business में. Second is contractual relation. Means जो भी पार्टनरशिप आप कर रहे हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. थर्ड इज लॉफुल बिजनेस. लॉफुल बिजनेस का यहाँ पर मतलब है कि जो कानून की नज़रों में लीगल हो, मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो इलीगल हो. लास्ट अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट मीन्स कोई भी पार्टनरशिप करने के लिए उसमें बिजनेस उसमें प्रॉफिट का अर्न होना और शेयरिंग होना जरूरी है. द प्रॉफिट विच इज अर्न फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड रेशियो. मींस यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा बिजनेस में वो सब पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर प्री डिटरमाइंड रेशियो. Now comes to the features of partnership business. First is easy formation. Easy formation का यहाँ पर मतलब है कि partnership को start करने के लिए या form करने के लिए जो procedure होता है वो बहुत ही easy होता है. इसमें minimum दो लोग चाहिए होते हैं partnership start करने के लिए, and maximum is 50 for private firms. And banking के केस में 10 लोग चाहिए होते हैं जो मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें एक सिंपल एग्रीमेंट होता है, साइन होता है पार्टनर्स का, जिससे कि इसको फॉर्म किया जा सकता है. सेकंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज. अनलिमिटेड लायबिलिटीज का यहाँ पर मतलब है कि बिजनेस की प्रॉपर्टी के साथ साथ पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ती है डेब्ट्स एंड क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए. मतलब अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी बिजनेस की प्रॉपर्टी तो सेल करनी ही पड़ती है, साथ में उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ती है, जो कि इसी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं. थर्ड इज रिस्क बियरिंग. रिस्क बियरिंग में यहाँ पे मतलब है जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पहले पढ़ा था कि उसमें एक ही व्यक्ति होता था, सारे रिस्क उसी के होते थे, बट पार्टनरशिप में क्या होता है जो भी रिस्क होता है, जो भी लॉस होते हैं वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चाहे दो पार्टनर हैं, चाहे तीन हैं, चार हैं, उन सब के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं.
नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल का यहाँ पर मतलब है कि पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं और सारी चीजों को मिलकर कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी में है कि क्या लंबे समय तक पार्टनरशिप फर्म चल सकती है? नहीं. इन केस अगर आपके फर्म में दो पार्टनर्स हैं और किसी एक की डेथ हो जाती है तो वहां पर आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. लेकिन अगर दो से ज्यादा पार्टनर हैं तो अगर उनमें से कोई एक पार्टनर की डेथ भी हो जाती है तो बाकी जो तीन हैं वो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर उसको कंटिन्यू रख सकते हैं. सिर्फ उसके लिए उन्हें अपनी पार्टनरशिप डीड को रिन्यू करना पड़ता है. नेक्स्ट इज मेंबरशिप. मेंबरशिप यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर दो लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप को चलाने के लिए. म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि एनीवन इज एक्टिंग देम फॉर ऑल और यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि किसी एक पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. सब मिलकर डिसीजन लेते हैं. सबको मिलकर सोच समझकर काम करना होता है और डिसीजन लेना होता है. द लास्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन मीन्स पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है. यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कंपनी से. कंपनी में कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन करना, बट पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है. नाउ कम्स टू द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर. जैसे कि हमने इसके फीचर्स में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ईजी होता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. सिंपल लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है तो इसको स्टार्ट करना भी इजी है एंड इसका क्लोजर भी इजी है. सेकेंड इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग. बैलेंस डिसीजन मेकिंग में यहाँ से मतलब है कि इसमें दो या दो से अधिक पार्टनर्स होते हैं तो वो मिलजुल कर सारे डिसीजंस फाइनल करते हैं क्योंकि सारे पार्टनर मिलकर डिस्कस सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो अच्छा होने का ज़्यादा चांस होता है. देन मोर कैपिटल. मोर कैपिटल और वी कैन से मोर फंड. इसका यहाँ पर मतलब है कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर दो या दो से अधिक पार्टनर्स होते हैं तो जो फंड होता है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और वो अपने अपने सोर्सेस से फंड को इकट्ठा करते हैं. देन शेयरिंग ऑफ रिस्क. शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब है कि बिजनेस में जितने भी रिस्क या लॉसेस होते हैं उनको अकेले एक पार्टनर को बेयर नहीं करना होता. वो सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर किया जाता है. लास्ट पॉइंट इज सीक्रेसी. सीक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का यहाँ पर मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से पार्टनरशिप के लिए कंपल्शन नहीं होता है कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिक को पब्लिश करे. सो यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन रहती है. नाउ कम्स टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. द फर्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ये पॉइंट हमने पहले वाले उसमें भी करा है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पर मतलब है कि अगर बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर पार्टनर्स को अपनी बिजनेस एसेट्स के साथ साथ पर्सनल प्रॉपर्टी भी सोल्ड आउट करनी पड़ती है. दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सेकेंड इज डिले इन डिसीजन मेकिंग. डिले इन डिसीजन मेकिंग का यहाँ पर मतलब है कि इस पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग होते हैं तो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है. हो सकता है एक पार्टनर जल्दी डिसीजन दे दे, दूसरा उसको करने में डिले करे, तो यहाँ पर डिले होती है डिसीजन मेकिंग में. थर्ड इज लिमिटेशन ऑफ कैपिटल फंड्स.
अब आप यहाँ पर कहेंगे कि लिमिटेशन ऑफ कैपिटल फंड्स कैसे हुआ है, बिकॉज इससे पहले वाले एडवांटेजेस में हमने बोला था मोर फंड्स, बट यहाँ पर हम लिमिटेशन ऑफ कैपिटल फंड्स को कंपैरिजन कर रहे हैं कंपनी से. कंपनी में बहुत सारे फंड सोर्सेज होते हैं, उसमें बहुत सारे फंड्स आप ले सकते हैं, बट पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, तो जो फंड रेज होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट. पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट में यहाँ पर बताया गया है क्योंकि पार्टनर्स में दो या दो से अधिक लोग होते हैं तो उनके डिसीजन भी अलग अलग हो सकते हैं और उनमें कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लैक ऑफ कंटिन्यूटी. लैक ऑफ कंटिन्यूटी जैसे बताया गया है कि अगर दो पार्टनर्स होते हैं और एक या तो डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो पागल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसके साथ इंसिडेंट, तो वहाँ पर पार्टनरशिप बंद हो जाती है. बट अगर चार हैं, पाँच हैं, तीन हैं, तो बाकी डेथ के अलावा जो पार्टनर्स बचे हुए होते हैं वो अपनी पार्टनरशिप डीड को रिन्यू कर कंटिन्यू कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का यहाँ पर जो मतलब है वो सीक्रेसी पॉइंट से है. जैसे कि सीक्रेसी पॉइंट में हमने बताया था कि यहाँ पर पार्टनरशिप में सीक्रेसी होती है, बट उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होती पार्टनरशिप फर्म्स पे कि वो अपने अकाउंट्स को डिस्क्लोज करें, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन डिस्क्लोज करें, एम्प्लॉयज़ की डिटेल डिस्क्लोज करें, तो वहाँ पर पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता है इस टाइप की बिजनेसेस पे. नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप्स कितने टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, अ जनरल पार्टनर्स हैज द अथॉरिटी टू एक्ट एंड मेकिंग डिसीजन फॉर ऑल पार्टनर्स. पार्टनर्स जनरली शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस एज पर द एग्रीमेंट मेड बिटवीन देम. देर आर टू टाइप्स ऑफ जनरल पार्टनर्स. जनरल पार्टनर भी दो तरीके के होते हैं, पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल का मतलब है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 7 देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर वाइंडिंग अप द पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस विल बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग वेज. पार्टनरशिप बिजनेस फॉर द अनलिमिटेड टाइम और पार्टनरशिप विल बी कंटिन्यूड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन ए दे मस्ट हैव अ फिक्स टाइम एंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंडक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. जैसा कि यहाँ पे बताया गया है पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो फिक्स टाइम के लिए और किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती है. पार्टनरशिप बिजनेस फॉर अ लिमिटेड टाइम और पार्टनरशिप फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं. बाय वीविंग ऑफ नेचर वर्क राइट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज द पार्टनर्स मे क्लासीफाई इन टू द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर. Active partner, those partners who actively take part in the management and administrative activities of the business. Second is dormant or sleeping partner. Sleeping partner is those who are not actively take part in the management or administrative activities of the business. Third is nominal partner. Nominal partner, we can say it is the person who has permitted others to believe that he is a partner. He does not invest capital, but he gives a chance of using goodwill of him. Last is limited partner. Limited partner is a partner whose liability is limited to the amount that he has paid to the business. Thank you.